हेलो दोस्तों, टेक्निकल गाइडलाइन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि गूगल शीट क्या है और गूगल शीट को कैसे यूज़ करते हैं। दोस्तों, गूगल शीट मोबाइल या कंप्यूटर में किसी रिकॉर्ड को स्टोर करने का एक सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन है, जिसमें आप डिफरेंट टाइप के रिकॉर्ड को स्टोर करके रख सकते हैं। आप बिजनेसमैन हैं, टीचर हैं या कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करनी पड़ती है, तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप अपने पर्सनल लाइफ की कुछ इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे कि पूरे महीने का कब कितने खर्च हो रहे हैं, उसे भी डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं। दोस्तों, मैं खुद इस एप्लीकेशन को काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। ये एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस एप्लीकेशन को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल पे आपको मोबाइल, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित जानकारी दी जाती है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे ये जो सब्सक्राइब बटन है, इस पे आप अभी तुरंत क्लिक कीजिए। इसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए। इससे आपको इस चैनल पर आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप हर नए वीडियो को सबसे पहले देख सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिए, अदरवाइज़ आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। आप कभी भी यूट्यूब पे टेक्निकल गाइडलाइन सर्च करके भी आप मेरे इस चैनल की सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। सबसे पहले तो आपको गूगल शीट डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। आप प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में टाइप कीजिएगा गूगल शीट, ये टाइप करके सर्च कीजिएगा। तो ये देख सकते हैं, ये गूगल शीट का एप्लीकेशन है। आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने इसे पहले से इंस्टॉल कर लिया है क्योंकि मैं इसे काफ़ी दिनों से यूज़ कर रहा हूँ। आपको बता दूँ, जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल पे जो काम करते हैं, लगभग सेम गूगल शीट पे भी आपको सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे कि आप एक्सेल में डेटा स्टोर करते हैं, ठीक वैसे ही गूगल शीट में आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत तरह के फॉर्मूले हैं, आप उन फार्मूला को यूज़ करके अपना काम को इजी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अभी अपडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसे ओपन करके आपको बताता हूँ कि इसे कैसे यूज़ करना है। ये गूगल शीट मैंने ओपन कर लिया है। ये देखिए, इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड मैंने पहले से सेव करके रखा है। अभी मैं आपको एक नया रिकॉर्ड बना के दिखाता हूँ कैसे आप इसमें कोई भी फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, नीचे ये जो प्लस आइकन है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद न्यू शीट फाइल ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एक्सेल फाइल बनाना चाहते हैं तो न्यू एक्सेल फाइल पे क्लिक कर सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको बता देता हूँ। अगर आप एक्सेल फाइल बनाएंगे तो वो ऑफलाइन काम करेगा। अगर आप गूगल शीट का जो फाइल है उसे अगर आप बनाएंगे तो ये ऑनलाइन आपका जीमेल में, आपका जो गूगल ड्राइव है वहाँ पे स्टोर होगा। और आप कभी भी दूसरे कंप्यूटर या दूसरे मोबाइल में बस आप अपना ईमेल आईडी से लॉगिन करके अपने फाइल को एक्सेस कर पाएंगे। मतलब ये आपका मेमोरी कार्ड में स्टोर नहीं होगा, आपका गूगल में स्टोर होगा, आपका गूगल अकाउंट में स्टोर होगा। तो कभी भी ये डिलीट होने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो मैं यहाँ पर न्यू शीट्स फाइल पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको इसका बेसिक चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है इसका यूजेस बहुत ही हाई यूजेस है। इसमें बहुत तरह के ऑप्शन हैं, वो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा। तो मैं बेसिक चीज़ें बता देता हूं, मैं आगे भी इस पे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको इसके बारे में कम्प्लीट नॉलेज मिले और आप इसे कम्प्लीटली यूज़ कर पाएँ। तो ये देखिए, गूगल शीट ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे मैं आपको एक रिकॉर्ड बना के दिखाता हूँ, एक रिकॉर्ड कैसे आप मेंटेन करेंगे। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि आप एक बिजनेसमैन हैं और आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड आप कैसे बनाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर ये एक कॉल्यूम है और ये ऊपर से नीचे तक ये रॉ है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ डेट, इसके बाद सेकंड वाला जो ऑप्शन है, सेकंड वाला जो कॉल्यूम है, इसमें मैं टाइप कर देता हूँ
प्रोडक्ट और थर्ड जो बॉक्स है इसमें मैं टाइप कर देता हूँ कॉस्ट प्राइस और आगे नेक्स्ट यहाँ पे टाइप करता हूँ सेलिंग प्राइस और नेक्स्ट यहाँ पे टाइप कर देता हूँ प्रॉफिट। अभी मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन है, आपका पर डे क्या क्या प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कितने में आपने उसे ख़रीदा था और कितने में आपने बेचा, और ये लास्ट वाला जो कॉलम है ये मैंने बनाया है प्रॉफिट का, तो उसमें आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आप जितने दिनों का रिकॉर्ड बनाना चाहेंगे उतने दिनों का आपका प्रॉफिट क्या है वो आप इजीली निकाल सकते हैं। आप कभी भी चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा सेल हुआ है, कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल नहीं हो रहा है। तो इससे भी आपका अपना एक बेसिक आइडिया रहेगा टाइम टू टाइम कि कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा मार्केट में सेल हो रहा है, किस प्रोडक्ट पे आपको ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। अभी मैं यहाँ पे ये जो ऊपर में जो टैब मैंने बनाया इसे थोड़ा सा सजा देता हूँ, थोड़ा सा ठीक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो ये सभी कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए ये अलाइनमेंट का है, तो ये बीच वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेंटर में आ जाएगा। इसके बाद ये वाला क्लिक कीजिएगा तो ये ऊपर या नीचे अगर रहा तो वो भी सेंटर में आ जाएगा। अभी यहाँ से इसका आप साइज बड़ा कर सकते हैं, मैं यहाँ से साइज इसका थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये देखिए नीचे टेक्स्ट कलर है इस पर आप क्लिक कीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट ये ब्लैक रहता है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सपोज मैं इसे रेड करना चाहूँगा तो रेड कर सकते हैं, आप ब्लू कर सकते हैं, जो कलर आप चूज़ करना चाहेंगे कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं ब्लू रहने देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ डेटा एंट्री करके आपको दिखा देता हूँ। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डेट आज का दिया 2 अप्रैल 2020, इसमें सपोज़ एक प्रोडक्ट मेरा सेल हुआ, सपोज़ मान लीजिए मैं मोबाइल शॉप चलाता हूँ तो सैमसंग का एक हैंडसेट सेल हुआ है, सपोज़ XYZ मॉडल नंबर है। अब इसका प्राइस मैं सपोज़ मान लेता हूँ 6999 इतने का, सॉरी ये कॉस्ट प्राइस मैं मान लेता हूँ 599 और सेलिंग प्राइस मैं मान लेता हूँ 6500, ठीक है। तो इसमें प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट मैं यहाँ से खुद से माइनस करके कर सकता हूँ, और आप चाहे तो खुद से यहाँ से माइनस करके इसका प्राइस लिख सकते हैं, और अगर आप चाहे फार्मूला यूज़ करना तो फार्मूला यूज़ करने का मैं बाद में बताऊँगा कैसे प्लस करना है कैसे माइनस करना है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे मैन्युअली कर देता हूँ कि 501 रुपये इसमें मेरा प्रॉफिट निकला। अभी ये जो है इसका भी अलाइनमेंट सही नहीं है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे तक इसको अलाइन कर लेता हूँ सही तरीके से। ऊपर में देखिए ये ऑप्शन पे क्लिक करना है और ये इस पर क्लिक करना है, फिर इस पर क्लिक करना है, तो ये भी सेंटर में आ गया। इसका भी साइज़ मैं चाहूँगा तो यहाँ से बढ़ा सकता हूँ, तो मैं साइज़ यही रहने देता हूँ। अभी जैसे मान लीजिए आपका प्रोडक्ट वाला जो कॉलम है इसमें आपका जो भी आप टाइप किए हैं टेक्स्ट वो इसमें पूरा नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करके इसे ड्रैग करके बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए ये रिकॉर्ड मैंने एंट्री किया है,
मैं फटाफट 5-6 रिकॉर्ड एंट्री करके आपको थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला यूज़ करके दिखा देता हूँ। दोस्तों मैंने अभी फ़िलहाल इसमें कुछ एंट्री किया है और आपको बता दूं, अभी मैं इसे मोबाइल पे यूज़ करने का तरीका बता रहा हूं, मैं आगे इसे कंप्यूटर पे कैसे यूज़ करेंगे वो भी बताऊंगा। ज़्यादातर लोग अभी मोबाइल यूज़ करते हैं, टैबलेट यूज़ करते हैं, इसलिए मैं सोचा कि पहले मोबाइल पर यूज़ करने का तरीका बताता हूँ, बाद में इसे लैपटॉप या कंप्यूटर पर कैसे यूज़ करेंगे वो भी बता दूँगा। तो ये देखिए, मैंने कुछ डिटेल्स इसमें डाला है। अभी मुझे अगर पता करना है कि इतने दिनों में प्रॉफिट मेरा टोटल कितना हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एक बार क्लिक करना है और यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पे लेके आना है। तो ये देखिए, यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक सम दिखा देगा, टोटल 4000, एवरेज 1000 रुपये, मैक्सिमम 2000, ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे दिखा देगा। अभी मान लीजिए आपको यहाँ पे नीचे एक टोटल करना है, यहाँ पे अगर आपको टोटल चाहिए कितना है, तो आपको यहाँ पे ड्रैग करके यहाँ तक लेके जाना है और नीचे सम पे क्लिक कर देना है। तो ये देखिए, यहाँ पे टोटल ऑटोमेटिक आ गया है, आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। और ये जो प्रॉफिट का कॉल्यूम है, ये भी आप फार्मूला से कर सकते हैं। तो फार्मूला अगर मैं एक दिन में बताऊँगा तो आपके दिमाग में नहीं रहेगा। तो जैसा जैसा ये मैं सीरीज में बनाऊंगा, मैं आगे हर एक ऑप्शन आपको बताऊंगा। अभी बाय चांस आपको बीच में कोई कॉल्यूम या रॉ जोड़ना है तो कैसे जोड़ेंगे मैं बता देता हूं। और मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आया है, तो उसे भी आप मार्क कर सकते हैं, रेड मार्क या ग्रीन मार्क करके, या कोई एक कलर कोड देके आप मार्क कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये मोटो एक्स आपका रिटर्न आ गया, तो आप इसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे सेल में जाइए। अब यहाँ पे देखिए फिल कलर, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट है, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप इसे रेड कर सकते हैं या फिर दूसरा कलर दे सकते हैं, जो कलर आपको अच्छा लगे आप चूज़ कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आप एक आइडिया लगा पाएंगे कि ये सब प्रोडक्ट आपका रिटर्न आ रहे हैं, या फिर जिसमें आपका प्रॉफिट कम है उसे भी आप कलर कोड देके आप रख सकते हैं। इन फ्यूचर आपको क्विक पता चलेगा कि हाँ, ये सब प्रोडक्ट में मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट कम कर सकते हैं। अभी बाय चांस आपको यहाँ पे बीच में एक रॉ एंट्री करना है, तो कॉस्ट प्राइस पे, जैसे कॉस्ट प्राइस के पहले या बाद में मुझे अगर एक रॉ एंट्री करना है तो इस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन आ गया है, इसमें देखिए राइट साइड में प्लस है, मतलब राइट साइड में कॉलम या रॉ एंट्री होगा, इसमें लेफ्ट साइड में प्लस है तो लेफ्ट साइड में रॉ एंट्री होगा। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बीच में एक रॉ एंट्री हो गया। अभी यहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ, कुछ टाइप कर सकता हूँ, तो ऐसे आप एंट्री कर सकते हैं। जब आपका डेटा कंप्लीट हो जाएगा, एंट्री का काम कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे ये जो राइट बटन है इस पर आपको क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगा और ये आपका गूगल अकाउंट में सेव होता है। अभी यहाँ पे ये देखिए, ये एक सीट हुआ, नीचे एक सीट दिखा रहा है, एक से ज़्यादा सीट आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो यहाँ पर प्लस पर क्लिक कीजिएगा तो एक और सीट आ जाएगा, मतलब एक ही फाइल में आप अलग अलग सीट रख सकते हैं। और ये सीट का आप नाम भी चेंज कर सकते हैं, ये जो ड्रॉप डाउन एरो है इस पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रीनेम का, रीनेम पे क्लिक कीजिएगा तो सीट का नाम दे दीजिएगा, जैसे ये सीट का मैं नाम दे रहा हूँ प्रोडक्ट। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है उसका भी आप अलग से सीट बना सकते हैं। और पहला वाला जो सीट मैंने बनाया, इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रॉफिट। तो इस तरह से आप अलग अलग सीट
तैयार कर सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पूरा रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, सेम उसी तरह से आप इसमें रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। अभी ये जो फाइल है, आप मान लीजिए अपना कंप्यूटर में किसी को शो करना चाहते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये जो तीन डॉट है, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा शेयर एंड एक्सपोर्ट का। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको सेव एज का एक ऑप्शन मिलेगा। आप डायरेक्टली किसी को शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। ये ऑप्शन देखिए, सेंड ए कॉपी का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली ये कॉपी किसी को सेंड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आप अपने मेमोरी कार्ड में सेव करना है आपको, तो ये जो सेव एज ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा। आप जो फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं, जैसे एक्सेल फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर जो करंट शीट है उसी फॉर्मेट में सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा तो सेव हो जाएगा आपका मेमोरी कार्ड में। आप उसे कभी भी किसी को भी शो कर सकते हैं या किसी को भी सेंड कर सकते हैं ईमेल के थ्रू। आपको फिल्टर लगाना है। सपोज़ मान लीजिए एक महीने का रिकॉर्ड आपने एंट्री किया है, उसमें से कोई एक ही प्रोडक्ट का आपको देखना है कि वो प्रोडक्ट कब कब सेल हुआ है, तो यहाँ पे आप फिल्टर करके वो चीज़ देख सकते हैं। तो फिल्टर कैसे करना है, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्लिक कीजिए, इसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्रिएट ए फिल्टर, इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे एक फ़िल्टर का आइकन आ जाएगा। आपको इस आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखिए फ़िल्टर का बहुत सारा ऑप्शन है, तो इसमें से आपको क्लियर कर देना है सब। क्लियर करने के बाद जो प्रोडक्ट आप सेलेक्ट कीजिएगा केवल वही प्रोडक्ट दिखाएगा। जैसे मैं Redmi Note 7 पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ से बैक कर लेता हूँ, अब सिर्फ Redmi Note 7 दिखेगा। यहाँ पे मेरा Redmi Note 7 का एक ही एंट्री है इसलिए एक ही दिखा रहा है। अगर एक से ज़्यादा एंट्री रहेगा तो एक से ज़्यादा भी दिखेगा। तो मैं फ़िलहाल फ़िल्टर को हटा देता हूँ। ये देखिए फ़िल्टर मैंने जैसे ही हटाया सारा रिकॉर्ड यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे कोई एक रॉ या कॉल्यूम को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली ऊपर में आप क्लिक कीजिएगा, या फिर अगर कॉल्यूम को डिलीट करना चाहते हैं तो लेफ़्ट साइड में ये नंबर पे क्लिक कीजिएगा। सपोज़ मैं ये लास्ट वाला जो कॉल्यूम है इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो ये 5 नंबर पर मैं क्लिक किया और इस पर टैप करके होल्ड करके रखिएगा तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है तो डिलीट हो गया। इस तरह से आप कोई भी रॉ या कॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे ये यूज नहीं है तो मैं इसे भी डिलीट कर सकता हूँ। इस पर क्लिक करके होल्ड कीजिएगा तो डिलीट का ऑप्शन आएगा, ये डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों ये बेसिक चीज़ है, मैंने आपको इसमें आज सिर्फ कैसे डेटा एंट्री करना है ये बताया है। आगे इसका मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसका फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है, इसको और भी अच्छे तरीके से कैसे यूज़ करना है, डेटा वैलिडेशन कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है। तो मैं आगे इसका एक वीडियो बना दूँगा और अगर ज़रूरत पड़े तो इसका और भी Part 2, Part 3 करके मैं कंप्लीट इसमें जानकारी देने का कोशिश करूंगा। फ़िलहाल ये एक बेसिक वीडियो था कि गूगल शीट को हम कैसे इंस्टॉल करके डेटा एंट्री कर सकते हैं अपने मोबाइल पे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन पे क्लिक करके लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और अगर इस वीडियो के बारे में आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें और ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे आपको सारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप सभी वीडियो को तुरंत देख सकते हैं। तो मिलते हैं इसी तरह के और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।